जनपद कन्नौज के शौरिक थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सलेमपुर से रागिनी पत्नी योगेश उर्फे अंशु उम्र 29 वर्ष निवासी सलेमपुर थाना शौरिक सुबह 9 बजे यह रस्सी पर कपड़े फैलाने गई थी। घरेलू बिजली तार से रस्सी में टच होने से महिला की करंट लग गया। मौके पर पहुंचे महिला के ससुर ईश्वर चंद्र पुत्र नथू राम महिला को बचाने के लिए गए। महिला को तो बचा ना सके, खुद गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल रागिनी के परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए, जहां से हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने तिरवा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया, जहां पर डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। महिला के 2 लड़का हैं, एक बच्चे की उम्र 5 वर्ष जिसका नाम नैतिक, दूसरे बच्चे की उम्र 1 साल उसका नाम आयुष है। पुलिस को सूचना देने के बावजूद घटनास्थल पर पुलिस नहीं पहुँची। रिपोर्ट बाय अनूप दुबे, समाचार इंडिया न्यूज कन्नौज। नाम है आपका? हमारा नाम ईश्वर दयाल है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सलेमपुर इसी गांव के। यहाँ पे जो घटना हुई आपके घर में, क्या घटना हुई? हमारे घर में हम बाहर लेटे हुए थे, तो जिस समय बहू हमारी ने तेरा हाय पापा, तो जब हम अंदर घर के घुसे तो वहाँ पर हमने देखा कि बहू हमारी तार जो है हाथ से पकड़े हुए, मतलब बाहर जो कपड़े जहाँ टंगे हैं हाथ पकड़े, मतलब तार, जब फिर हमने उसका हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ने के बाद जब हमने उसको खींचा तब वो छूटी। तो आप जब छुटाने गए थे तो क्या आपको भी झटका लगा? झटका बहुत, पूरे शरीर में करंट दौड़ गया था, हमारे पूरे शरीर में दौड़ गया था। बहू की क्या नाम है आपकी? बहू का नाम रागिनी। ठीक जी। क्या नाम है आपका? विनीता। किस गांव रहने वाले हैं आप? हम इसी गांव के हैं। नाम बताओ। नाम बताओ गांव का? विनीता। सलेमपुर के रहने वाले हैं आप। क्या घटना हुई यहाँ पे? यहाँ पर क्या, मैं उस पर रोटी करके गई थी, ऊपर ठंडा ली थी डिब्बे में, तो तारे से बना था, उसी से झटका लगा, करंट गिर पड़ी। तो मृत्यु वहीं पे हो गई तुरंत? अब लेके तो हाल गए, अब पता नहीं हाल, वहाँ लेके गए, डॉक्टर ने मना कर दिया कि खत्म हो गई। जिनकी मृत्यु हुई उनका क्या नाम है? नीतू। कोई बच्चे अच्छे भी उनके? हाँ, 2 बच्चे हैं। क्या नाम है उनका? एक नैतिक है, एक आरुष। उनका पति का क्या नाम है? अंशु। आपका? पप्पू। किस गांव रहने वाले हैं? सलेमपुर इसी गांव में। क्या घटना हुई है? ये बहू ने आवाज़ लगाई हाय पापा, तब मैं अपने घर में थे, खाना खा रहे थे, हमने देखा बहू नवाज कर दी, लगा जीना चढ़ के गए ऊपर, तब दादा पास में खड़े थे, इनको आवाज़ लगाई, हमने क्या है, दादा बोले नहीं, बहू अलग गिर पड़ी। जब उतर के इनके घर में गए तो उसके बाद तब हमने दादा ने अलग रखा। तो क्या मृत्यु एकदम से वहीं हो गई थी? मृत छावर के लिए गए हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने वहाँ से रेफर किया है त्रिभाग लिए, त्रिभाग जाके फिर सूचना आई बहू में कुछ है नहीं, तो उसके बाद तब घर आई।